तो हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं तुम्हारे नितिन रावत एक और नया व्लॉग लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देख लिया होगा, भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को बता भी देता हूँ, एक नई गाइस बाइक आने वाली है गाइस। अभी नहीं, मतलब एक महीना भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है। और भाई मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ भाई, मेरे को आप लोग सजेस्ट करो कौन सी लूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ गाइस शोरूम स्पेशल देखने, ये मुझे पता नहीं हमारे यहाँ पे आसपास कौन सा शोरूम है, ठीक है? वहीं जाऊँगा, वहीं पैसे लेकर आप लोग कौन से शोरूम में पहुँचाऊँ मैं। और भाई हमारी किट को गाइस पापा चलाने वाले हैं, भाई मेरे साथ ही रहेंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखता हूँ कौन सी लेने वाला हूँ गाइस, और थोड़ा बजट भी गाइस कम है मेरा, समझ लो कितना हो सकता है, ठीक है? मैं आपको जब लूँगा तो बताइए दूँगा सब चीज़। तो भाई ये बाइक गाइस जाने वाली है भाई पापा के हाथ, पापा चलाएंगे इस बाइक को। तो अभी तो फिलहाल मैं इसी बाइक में जाने वाला हूँ, ठीक है? अकेले जा रहा हूँ और कोई नहीं मेरे साथ। और इसकी भयंकर आज स्लब भी ख़राब हो गया, पता नहीं दो दिन हो गए, बारिश के चक्कर में हो गया, पानी घुस गया इसके, किक से बांधनी पड़ेगी स्टार्ट हो जा। पहला गियर में तो वो क्यों, क्या होगा? मुझे भी काम है, चल मेरे को वहीं जा रहा हूँ मैं भी। चलो भाई, एक घंटा लगेगा, रुक जाएगा मेरे साथ, आराम से रुकेंगे। चल बैठ फटाफट, तुम्हारे। और भाई बहुत दिनों बाद गाइस बाइक की राइड भी हो रही है यार। भाई गाइस बता नहीं सकता मैं आप लोगों को, भाई बहुत मजा आ रहा है चलाने में। और जो नई बाइक आएगी तो वैसे उसे और ज्यादा चलाने में मजा आएगा, नई चीजें नए फीचर्स मिलेंगे उसमें। और मैं अभी थोड़ा मोटा व्लॉग बंद कर देता हूँ गाइस, क्योंकि मैं कैमरा वो क्या बोलते हैं माउंटेन लेके आया हूँ। और तो मिलते हैं आपको सीधा डायरेक्ट शोरूम में। तो गाइस बड़ा मजा आ रहा है भाई आज, जरा भाई बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ किट्टो को। और दूसरी बात ये कि अभी यार मैं ज्यादा मोटर ब्लॉग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं माउंट लेके नहीं आया, ना हेलमेट लेके आया है, कि एक हाथ से चला रहा हूँ और ब्लॉग कर रहा हूँ। तो भाई मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट शोरूम पे। गाइस पहुँच गए, देखो हीरो के शोरूम में पहुँचे। फिलहाल तो हमें यही वाला मिला अभी, देखिए भाई यहाँ पे सारी बाइकें खड़ी हैं स्पोर्ट्स में, तो मेरे को लगता है यहाँ पे बहुत सारी बाइक है भाई। मैं तो कंफ्यूज हो गया गाइस इनको देख के। भाई ग्लैमर भी है जो मेरे पास है, देख सकते हो ये वाली सेम वही है, ये थोड़ा अपडेट मॉडल है इसमें थोड़ा सा, हाँ ये ज़्यादा बाहर को ये दे दिया इसमें, ये ग्लैमर है जो मेरे पास ही है। और एक थोड़ा हिली एरिया में आ जाती है एक्सपल्स, ये देखो भाई ये तुम्हारी है 190 एक्सपल्स, देख सकते हो भाई राइडिंग के लिए। और एक थोड़ा सा डिसाइड बजट के अकॉर्डिंग ये आ रही है मेरे पे एक्सट्रीम, थोड़ा सा मतलब अभी ढंग से कंफर्म नहीं है। ये लुक में अच्छा लग रहा है देखने में, इसमें कलर देखते हैं क्या क्या होगा, देख सकते हो ये वाली। और यहाँ तो स्प्लेंडर आ गई सारी अलग अलग मॉडल स्प्लेंडर, ये तो तुम 80-90 हज़ार में उठा लो एक ही दिन में। ये थोड़ा मैट कलर में आ गई, स्कूटी तो नहीं चाहिए भाई, स्कूटी नहीं गाइस। अभी मैंने भाई सबसे रेट वेट को पूरा अच्छे से कन्फर्म हो गए, तो अभी तो मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ सारे शोरूम के टी एम के भी, यामा के भी, बजाज के भी, होंडा के भी। तो अभी कंफर्म मेरा मतलब माइंड में है, एक पसंद सबसे नंबर में मेरी फिलहाल एम टी है यामा वालों की, ठीक है? वो आपको बताया कितने की, 2-10, 2-20 की पड़ेगी, 2 लाख, ठीक है? और अभी अपने हिसाब से बजट के हिसाब से मेरा मानना ये कि मैं एन एस बी ले सकता हूँ 125, ठीक है? और अभी एक्सपल्स का भी रेट मेरे को सही लगा जो मैंने पीछे दिखाई आपको। भाई अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही भाई, थोड़ा सा मेरे को आप लोग सजेस्ट करो कमेंट वगैरह करके, ठीक है? और भाई ठीक है, अभी सारे शोरूम घूमने वाले देहरादून जाना पूरे, कावासाकी में तो वहीं नहीं जा सकते, वहाँ तो भाई सारे सुपर बाइक हैं, वहाँ तो 8 लाख से स्टार्टिंग है, 6 लाख से स्टार्टिंग है वहाँ बाइक के, वहाँ तो मुश्किल है। अभी थोड़ा अपना डेली यूज़ के लिए और अपने बजट के हिसाब से फिलहाल यही देखना, अभी बहुत कन्फ्यूजन, बताओ भाई। ये भी एक्सपल्स है, अभी देखो इसमें कलर भी मिल जाएंगे हमें, अभी फ़िलहाल अपने बजट में ये तुम्हारी 1.40 की पड़ जाएगी, ठीक है? अभी एक्सपल्स का थोड़ा साउंड वगैरह सुनाता हूँ आपको, और थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कैसी लग रही मेरे लुक पे, मेरे बॉडी के हिसाब से। ऐसे मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे भाई तू बुलेट ले, बुलेट ले, भाई बजट भी तो होना चाहिए बजट। मैंने बजट 3 लाख की पड़ी है भाई, बुलेट अब लगा लो तुम अच्छी से अच्छी, ठीक है? सब मॉडिफिकेशन ऑनलाइन वगैरह लगा के, तो भाई यही बजट में ये नहीं है। तो मेरा इसका लुक, इसमें लुक देखो एक्सपल्स में कैसा लगता है, बिल्कुल ठीक लगती है, मतलब ये दिल्ली एरिया के लिए। आओ आओ कैमरा में, अच्छा आओ, सही लग गई, सही आ रही है, ये साउंड
ऊंचा लग रही पर ये बात है ऊंची लग रही थी और आगे का जब मोटर ब्लॉग बनाऊंगा ना गाइस देखो फ्रंट लुक ऐसा आएगा अगर इसमें देखो क्या सुंदर था एंकर पूरा फ्रेम अच्छे से पूरा कवर हो रहा मस्त है ये भी आगे में एंकर एवेंजर की तरह शीशा वह एंकर और ये बजट से बाहर है थोड़ा यार गाइस इसमें ऑलरेडी ये है पहले से ही एंकर देख रहे हो आवाज़ भी साउंड भी सुनो आप साउंड सुना दे भाई जरा इंजन की थोड़ा सा मैं ठीक हो करता हूँ इसको पकड़ ले फोन तो भाई तेल फूक जाएगा कंपनी वालों का एकदम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ये भाई ने कहा भाई यहीं से एक बाइक ले रही थी हीरो होंडा ना तो भाई इन्होंने लिया और पार्टी वोटी तो दी नहीं इन्होंने कुछ भी अटे ले लिया और सामने खड़ी है थोड़ा सी हम राइड लेंगे इसकी स्प्लेंडर की हीरो स्प्लेंडर ये देखो ये खड़ी है नहीं एकदम प्रॉपर भाई राइड दे दो यार जरा दे दो राइड ये स्प्लेंडर भाई शोरूम से निकली है जहाँ तू आ रहा है गाइस अरे भाई पावर कैसे लगा पावरफुल एकदम भाई मजा आ गया भाई मजा ही हो रही है भाई फिर तुम स्प्लेंडर ही निकाल लो स्प्लेंडर नहीं यार थोड़ा सा चलो एक अभी और आगे चलते हैं बजाज का शोरूम है वहाँ भी जरा NS देखते हैं कैसी होने वाली है भाई उसका लुक देखना आप ठीक है गाइस पहुंच गए बजाज के शोरूम देख सकते हो भाई ये है हमारा यहाँ बजाज का चलते हैं अंदर अंदर तो भाई सारी स्पोर्ट्स बाइक खड़ी हैं सारी की सारी भाई ओ माय गॉड ये देखो भाई जो मेरे को पसंद है ना गाइस बाइक बताता हूँ थोड़ा सा ये तो 200 है ये तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे में जाएगी बहुत 400 है 125 कहाँ है 125 सारे ब्रांड खड़े हुए भाई यहाँ कलर भी सारे मिलेंगे इस कलर में ग्रे कलर में 125 का भाई 125 है यहाँ ये देखो भाई ये तो उसकी आ गई है एवेंजर आ गई 125 का 125 है ही नहीं है 125 है ही नहीं ऊपर चलेंगे ऊपर मिलेगी वो वाली बाइक यहाँ पे खड़ी है देखो इस वाली बाइक के पीछे ये देखो भाई आइस कौन सी है NS 125 ये है एक ऑरेंज कलर में आती है ये वाली और ग्रे कलर तो है नहीं इसमें जो मेरे को चाहिए फिलहाल के लिए ग्रे कलर है ही नहीं एक रेड में ये देखो 125 और बस ये वाला लुक है भाई थोड़ा इसको ये थोड़ा अपने बजट के हिसाब से भी है और एक रेड भी है दोनों बजट के हिसाब से है गाइस ये भाई आज की स्टोरी तो मुझे बता दो भाई दो शोरूम घूम लिया सजेस्ट कर दो कौन सी लूँ क्या लूँ थोड़ा सा बता दो बजट के हिसाब से ठीक है MT बहुत पसंद है यार MT लवर को पता है भाई क्यों यामा वालों की MT वो भयंकर 2,20,000 की पड़ेगी यार पर अभी तो भाई बजट अभी हल्का ही है हल्का समझते हो मर हो गया तो भाई देखते हैं अब जैसा ही बनता है प्लान तो अभी और ज़्यादा शोरूम में घूमना है कल तक जाएंगे अभी देहरादून में पूरा विजिट करना है KTM में भी जाना है तो पता ही नहीं मैंने सब आपको सारी डिटेल तो लाइक करना वीडियो शेयर करना सब्सक्राइब करना और जरूर सजेस्ट जरूर करना मुझे पल्सर या बजाज में जाऊँ या यामा में जाऊँ ठीक है यामा में भी देखते हैं थोड़ा अगर MT से छोटा मॉडल हुआ वैसे तो यामा बनाती नहीं बट देखते हैं या तो फिर बजाज बचा एक अपने बजट के हिसाब से तो ठीक है भाई तुम्हारा भाई मस्त व्लॉग बनाएगा फिर मोटो व्लॉग भाई मज़ा आएगा भाई किट्टो को घर में रहेगी किट्टो कोई दिक्कत नहीं बट नई बाइक के मज़ा आएंगे बहुत ज़्यादा व्लॉग ठीक है तो बताना मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ बाय गाइस लव यू ऑल बाय बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर बहुत बहुत धन्यवाद